देखिए, एक आरोप है सरकार के ऊपर, खास करके बीजेपी के ऊपर। ये जो बिल है उसमें वोट बैंक का पॉलिटिक चल रहा है, मुझे नहीं लगता है। ये एक ज़रूरत भी है इस प्रकार का बिल, क्योंकि बहुत से राज्यों में वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, वो तकलीफ़ में है, वो हमारे देश में आकर बैठे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने एक बात कही है कि इस देश में जो घुसपैठ है उसको निकाल देंगे, एक एक को चुन चुन कर निकालूंगा। तो अब तक 6 महीने में ऐसे कितने निकाले आपने, उसका हिसाब दीजिए, कितने निकाले हैं आपने? आपने किसी को निकाला नहीं है, और बाहर से लोग आप ले रहे हो, वो भी घुसपैठी है मान लो, यहाँ से भी निकालो फिर आप ले लो। दूसरी बात है, अगर आपके ऊपर जो आरोप है वोट बैंक पॉलिटिक्स का इस बारे में, वो आपको ख़त्म करना है, तो हमारी ये डिमांड है कि ये लोगों को तो हिंदुस्तान में सिर्फ रहना है, आश्रय चाहिए उनको, असलम चाहिए, तो उनको आप 25 साल तक वोटिंग राइट्स मत दीजिए, क्योंकि आप किसी भी राज्य में उनको बिठाएंगे और वोटिंग राइट देकर एक वोट बैंक बनाएंगे, विरोध उसको है। खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है, वहाँ भाजपा शासित राज्य है, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को 25 साल तक वोटिंग राइट्स अगर नहीं देंगे, तो आपके ऊपर का जो आरोप है वो आरोप नहीं होगा। तीसरी बात, ठीक है हिंदू है या सिख है, सब ठीक है, हमारे भाई है, कश्मीरी पंडितों का क्या हो गया? आपने तो 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आप नहीं कर सके हैं। आप उनको कब भेजेंगे? बाहर से लोग आप उनको घर बार दे देंगे, सब देंगे, लेकिन हमारे कश्मीरी भाई पंडित है वो आज भी कैंप में रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरे बारे में सोचिए, नहीं तो ये सब लोग जिसको आप लेना चाहते हैं बाहर से, सभी को हिंदू सिख जो भी है श्रीनगर में उनको बिठाइए, तो वहाँ की आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक रखा जाएगा। हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि धर्म के आधार पर लोगों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जो बिल लाया जा रहा है, आसाम में जो NRC हुई उसमें बड़े पैमाने पे जो कहा जाता था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही थी, कहीं ना कहीं वो उनके परेशानी का सबब बना है, जिसके कारण ये कानून लाया जा रहा है।